दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विश्व के किस हिस्से में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? और वो भी कोई ऐसा वैसा रेल ब्रिज नहीं, बल्कि ऐसा रेल ब्रिज जो एफिल टावर से भी ऊंचा होगा। चौंक गए ना ये सुनकर? जी हाँ दोस्तों, विश्व में एक ऐसा रेल ब्रिज जल्द बनकर तैयार होने वाला है जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। पर कहाँ बन रहा है ये ब्रिज और क्या है इससे जुड़ी खास बातें, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल हेलो इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ढेर सारी रोचक जानकारियां जानने को मिलती रहे। दोस्तों, ये है चेनाब रेल ब्रिज। नाम से थोड़ा बहुत अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा कि आखिर कहां बन रहा है ये पुल। जी हाँ, सही समझा आपने। कश्मीर घाटी तक रेल से यात्रा करने का पर्यटकों का सपना अब जल्द ही सच होने जा रहा है। कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने के लिए चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज की ऊंचाई नदी से 359 मीटर यानी कि 1178 फीट है। बताया जा रहा है कि ये रेल पुल 40 किलोग्राम विस्फोटक के धमाकों और रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी सह सकता है। इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर ये ब्रिज चीन में बेइपिन नदी पर स्थित शुईबाई रेल पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। इस रेल ब्रिज को बनाने का जिम्मा कोंकण रेलवे के पास है। मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद अब भारत इस दुर्गम काम को सफल बनाने में जुट गया है। ये पुल भारतीय तकनीक के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस रेल ब्रिज का आकार धनुष के आकार का है। घाटी तक रेल पहुंचाने के लिए रेलवे ने सारी भौगोलिक बाधाएं लगभग पार कर ली हैं। इस रेल ब्रिज परियोजना का काम 3 चरणों में हो रहा है। तीसरे और अंतिम चरण में 111 किलोमीटर लंबी रेल लिंक का निर्माण करना है। इस रास्ते में रेलवे 27 टनल और 37 पुलों का निर्माण कर रही है। इस रास्ते पर सबसे लंबी टनल लगभग 13 किलोमीटर लंबी है। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस पुल में 24,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे के 150 साल के इतिहास में ये पहला ऐसा पुल है जिसके 915 मीटर स्पैन में केबल क्रेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अभी तक इतने लंबे स्पैन पर केबल क्रेन तकनीक दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल नहीं की गई है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का काम 2003 में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से इसका काम बीच में ही रुक गया। फिर साल 2010 में पुल का काम दोबारा शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। आप सरकार की तत्परता इसी बात से समझ सकते हैं कि इस ब्रिज के निर्माण कार्य की निगरानी 2400 घंटे CCTV कैमरे से होती है। इस पुल का निर्माण 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। पुल के आसपास सैकड़ों किलोमीटर सड़क का निर्माण भी रेलवे ने किया है, जो कश्मीर घाटी का वैकल्पिक मार्ग होगा। लेकिन सारी परेशानियों को पार करते हुए भारतीय रेलवे इस असंभव से दिखने वाले कार्य को पूरा करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ये रेल ब्रिज कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके पूरा होते ही धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर घाटी की रहस्यमयी खूबसूरती पर से जल्द ही पर्दा उठने वाला है और लोग इसे अपनी आंखों से देख पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।